नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विन सहायक सेक्रेटरी प्रवेश दुबे द्वारा 25,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। विन जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लोग रिश्वत मांगते हैं लेकिन ना देने के कारण उनका काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। हालांकि में सभी अधिकारियों को पता रहता है तो भी क्यों नहीं होती कार्रवाई, घटना वीडियो के माध्यम से हम आपको देख सकते हैं। सुरपुरा का निवासी ग्राम भदौरियन का पूरा का मामला सामने आया है कि पीड़ित का कहना है सहायक सेक्रेटरी प्रवेश दुबे 25,000 रुपए रिश्वत मांगने के काम कर रहे हैं। केसीसी लोन के संबंध में प्रार्थी ग्राम भदौरियन का पूरा कौसत तहसील अटैच जिला भिंड का निवासी है। प्रार्थी ने सुरपुरा जिला सहकारी बैंक से वर्ष 2017 में केसीसी लोन लिया है जो 22 अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों का कर्जा माफ किया था। उसमें प्रार्थी की केसीसी का कर्जा भी माफ किया गया था। ये कि इसके बावजूद भी ग्राम कोसा भदौरियन का पूरा सहायक सेक्रेटरी प्रवेश दुबे पूर्व केसीसी ऋण का जो कर्जा माफ हुआ है के संबंध में वर्ष 2022 तक कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। पूछे जाने पर उसके द्वारा कभी 15,000 एवं 20,000 ब्याज के रूप में रिश्वत की मांग की गई, तभी उसके कर्जा माफ बेबाकी सेक्रेटरी खाते में अंजाम करूंगा ना करने पर आपसे केसीसी की राशि पूर्व की वसूली जावेगी। 6 जून 2023 को प्रार्थी सुरपुरा में जिला सहकारी बैंक पर गया था। वहां पर मौजूद सहायक सेक्रेटरी प्रवेश दुबे को 25,000 देने से मना किया तो गंदी गालियां देना शुरू कर दी, जिसका वीडियो प्रार्थी के पास है। और सहायक सेक्रेटरी ने बैंक शाखा प्रबंधक के सामने धमकी दी कि भिंड में आने पर तुझे जान से खत्म कर देंगे। मौके पर सखेत सिंह व नरेश मौजूद थे, उन्होंने गाली जान से मारने की धमकी दी। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। महाराज ठीक रहोगे, बहुत बता रहे मत बोलो, जो हटो नहीं बस रहे बोला बैठे जाओ जाओ काम करो बोलो पिटोगे वो पिटेगा तो अभियान पिटोगे बहस करोगे तो वो मारे क्यों मारे वो मारे क्यों मारे तुम मारे मारो जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रूपेन सिंह है जी। आज क्या समस्या आई है, क्या पूरा मामला आप हमें बताएंगे? क्योंकि इंडियन न्यूज 28 आपने जो बुलाई है इसके विषय में आप क्या कहेंगे बताएं? समस्या ये मेरे पिताजी ने केसीसी लिया था 2017-18 में जी, तो उस संबंध में समस्या मैं बार बार किसानों वो केसीसी तो हमारी शासन ने माफ कर दी 2020 में जी, लेकिन जो सहायक सेक्रेटरी प्रवेश दुबे उनके द्वारा हमें कोई प्रमाण पत्र कोई कागज नहीं दिए गए जी, तो उसके बारे में बार बार उनसे पूछता रहा तो वो कोई कागज नहीं दे रहे। जब मैं ज़्यादा पूछा बैंक से पता किया तो बैंक का कहना है कि तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो चुका है, कुछ भी नहीं। और वो हमसे 25,000 रुपए की बार बार रिश्वत की डिमांड कर रहा है, कहते ब्याज है ब्याज है। जब मैं ब्याज का भी पता किया तो अभी ब्याज माफ हो गए, अब ब्याज भी नहीं है हमारे पास। बैंक कह रही तुम्हारे पास कोई ब्याज नहीं, कोई कर्जा नहीं है, और वो हमें परेशान कर रहा है बार बार 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अब ये हम उनसे ये चीज़ के लिए बार बार उनसे पेपर मांगने गए तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज किया, इसका हमारे पास वीडियो भी है जी। और हमें धमकी भी दी भिंड आएंगे हम आपको देख लेंगे। क्या आपने उसके विषय में आपने भ्रष्ट अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी मैंने भ्रष्ट अधिकारी को भिंड कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया 3 बार जन सुनवाई में, उसके बाद SDOP अटेर को आवेदन दिया है फिर भी, और 181 पे भी मैं CM हेल्पलाइन पे कॉल किया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई समस्या का अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी ने? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई समाधान नहीं। ना आपके पास किसी अधिकारी का कॉल आया? कोई मेरे पास कॉल नहीं आया कोई किसी ने। अब सेक्रेटरी का आगे का क्या विषय है, उनसे आपसे बात हुई थी? बात करते तो धमकी और देते, अब तुम्हारे बाप को दी चुनौती अगर तुम दोबारा हमसे कुछ काम करो। किस एरिया में पड़ता है जी ये? ग्राम पंचायत कोसड़ में पड़ता है, ग्राम भदौरियन का पूरा जी। वहाँ से पीड़ित कौन है? पीड़ित मेरे पिताजी श्री भगवान सिंह भदौरिया, उनके नाम से KCC थी जी। 2017-18 में लिया था जी, और 2020 में उस समय की सरकार ने माफ कर दिए थे, तो हमारा 2020 में कर्जा माफ हो चुका है। 2020 में माफ। तो अभी कितना बाकी है? अभी कुछ भी बाकी नहीं, बैंक का कहना है, मैंने भिंड से डिटेल निकलवाई है जो हेड ब्रांच से जी, तो बैंक वाले उन्हें बताया है, हमारे पास पेपर भी दिए उन्होंने प्रिंट दिए हैं, उनका कहना है कि तुम्हारे पास कोई ब्याज नहीं है, कोई कर्जा नहीं, KCC के नाम पे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं सेक्रेटरी प्रवेश दुबे कि आपके पास कर्जा है, आप बार बार हमें टॉर्चर कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और बार बार धमकी देते, फ़ोन भी नहीं उठाते, गाली गलौज करते, हमारे पास वीडियो भी है। हमारे बैंक में उनसे पेपर लेने गया तो हमें उन्होंने। तो आगे आपने क्या सोचा है जी, आप जब वहाँ पे जाते हैं? मैं बस यही मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मेरे प्रमाण पत्र दो मुझे, जो मेरा कर्जा माफ़ किया शासन ने, उसकी रिसीविंग दो,
जो भी उसके पेपर हैं, जो दोबारा से मैं अपनी शुरुआत कर सकूँ, दोबारा से जो भी शासन की योजना उनके लाभ ले सकूँ, कृषि संबंधी और भी जैसे प्रमाण पत्र के विषय में क्या कह रहे हैं? नहीं देंगे हम आपको, नहीं देंगे आप जब तक 25,000 रुपये नहीं देंगे हम आपको नहीं देंगे। अब 25,000 रुपये वो हमसे जबरन डिमांड कर रहे हैं इस पर जी। अगर 25,000 रुपये जब आपने नहीं दिए तभी गाली गलौज हुआ था? हाँ गाली गलौज हुआ था, मारपीट की और हमें मारने के लिए आए, उसका वीडियो भी है हमारे पास। धन्यवाद बताने के लिए।